पूर्व सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे मंत्री महोदय जो आए हुए हैं, उन्होंने जिस हिसाब से बात की, इस निराशा भरे माहौल में एक आशा का संचार हो गया। जोरदार तालियों से इसका स्वागत कीजिए। मंत्री महोदय ने जो कहा, आप अपने घर में बैठ के उतनी ऊर्जा नहीं दे पाए जो मंत्री महोदय मणिपुर से आके आपको ऊर्जा बना के गए। तो सबसे पहले आज इस सभागृह में उपस्थित मेरे सारे भाई बंधु, मेरे अपने प्रेस और मीडिया के पत्रकार बंधु, आप सबको भारतीय सिनेमा के आधार स्तंभ बॉम्बे टॉकीज और वीर रस के नायक राष्ट्रवादी राष्ट्रपुत्र आजाद और टीम आजाद की तरफ से मैं अभिजीत खटवारी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं और सनातनियों के महापर्व विजयादशमी की शुभकामनाएं देता हूं। बॉम्बे टॉकीज के इस कार्यक्रम में अब हम अपने परिवार के बॉम्बे टॉकीज के महनीय पूर्वज, यशस्वी पूर्वज, पूर्वजों की त्रिवेणी राजनारायण दुबे, हिमांशु रॉय और देविका रानी की विराट देही स्मृति को नमन करता हूं, उनकी उपस्थिति को, पुण्य पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। राष्ट्रपुत्र के इस महोत्सव में, इस महासम्मेलन में, इस महायज्ञ में जो भी उपस्थित हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इतिहास के साक्षात्कार का समय है। हमारे हिंदी साहित्य के राष्ट्रपुत्र मैथिली शरण गुप्त ने बहुत पहले कहा था कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मणिपुर से तो खैर हमारा सामाजिक, राजनीतिक, यहां तक कि पौराणिक संबंध रहा है। अर्जुन का जब निष्कासन हुआ हस्तिनापुर से, अर्जुन मणिपुर गए, वहां नाग कन्या उलूपी से उनका प्रेम संबंध हुआ और सभी जलचरों के स्वामित्व की घोषणा की। उसके बाद चित्रांगदा से उनका प्रेम हुआ और उन बबरू वाहन पैदा हुआ। बबरू वाहन के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। पिता पुत्र के युद्ध में बबरू वाहन ने गांडीव धनुर्धारी अर्जुन का वध कर डाला। अपने पिता के वध के कारण, अपराध बोध के कारण आत्महत्या करने के विचार करने लगा। तो उलूपी ने अपने अद्भुत अलौकिक मणि से अर्जुन को पुनर्जीवित किया। यह हमारा संबंध है मणिपुर के साथ। अब 1930 और 40 का जो दौर है, दो तरह का दौर चल रहा था उस टाइम। एक उन्नीस सौ तीस और चालीस का जो दौर है वो निर्णायक दौर था। एक तरफ राष्ट्रवादियों के लिए पराभव का दौर था, कलाकार अपनी जमीन की खोज में, भूमि की तलाश में भटक रहे थे। मेरी फिल्म के बुनियाद में 2016 का जेएनयू का नारा है, जिसे पूरे देश ने सुना और देश चौंक गया था। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत जेएनयू में हुई और मैंने उसी मैदान से उसका जवाब दिया। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। या वंदन की भूमि है, या अभिनंदन की भूमि है, या अर्पण की भूमि है, एक तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। गांधीवाद और नेहरूवाद की वजह से आजादी के हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला जिसके हकदार थे। मेरी फिल्म राष्ट्रपुत्र उन्हीं क्रांतिकारी राष्ट्रपुत्रों को समर्पित है।
सूत्र है उपनिषद में, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमया, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, यही जिंदगी है आजाद जैसे महापुरुषों की। आजाद के व्यक्तित्व और कृतित्व को, उसके साथ ही सनातन भारत के गौरव को विश्व के कोने कोने पहुंचाने के लिए मैंने फिल्म राष्ट्रपुत्र का 26 भाषाओं निर्माण किया है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी फिल्म राष्ट्रपुत्र काल के बाल पर, काल के कपाल पर एक अमिट हस्ताक्षर साबित होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।